हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ कि भाई सब के सब बढ़िया होगे। मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ। तो सुबह भाई धार धूर का ढका गोबर पानी गेर के गोबर के साथ भाई पानी भी बोल लिया जाओ है सब। तो मतलब धार धूर काट ली थी, गोबर गेर आए थे। तो उसके बाद भाई सार्थक के पापा की है मॉर्निंग शिफ्ट, तो मना कर दी थी भाई सब्जी की तैयारी। और सब्जी मैं भाई मैं हमेशा छोक तेल का ही लाऊँ। मैं घी का यूज बहुत कम करूं, क्योंकि मुझे घी वाली सब्जी ना कति पसंद नहीं आती। तो मन आवे है सिंपल, मतलब जो सरसों का तेल हो ना उसके तेल की सब्जी पसंद आवे, बढ़िया लगा। पता नहीं तो घने दिन हुए भाई घी की तो सब्जी खाने का जी ये कौन करता। तो भाई मैंने तोरी की सब्जी ने बनाई थी प्रॉपर, तो देखो मैं दिखा नहीं पाई, थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी मैंने कुछ काम की। सार्थक अरे तो उससे मैं ड्रेस देखूं, नई ड्रेस पहन कर जानी है सार्थक ने स्कूल में। देखो भाई हर फंक्शन पर तो हम सारी आन नई ड्रेस खरीदा नहीं करते, वैसे आन जान के लिए थी या तो आज इसने घर के कपड़े पहन कर जाने, तो यही पैर जेगा कच्ची बनियान ठाले ओलिया तैयार। ये देखो भाई सार्थक ओलिया, आज इसका फंक्शन है तैयार। जूते पहन लिए, सैंडल नहीं पहने, और जराब पहननी नहीं, मैं सॉक्स नहीं पहननी है। रुमाल ले लो बेटा, क्या ले रहा मुंह में, कितने खाओगा? 3-4 दिन हुए भाई को, तो पूरी वो थी सी वो सारी सपड़ा दी इसने। और सार्थक की ड्रेस ये आज इसने पहनी है, क्या है स्कूल में, किस चीज के लिए? टीचर्स डे आओगा या पहले जन्माष्टमी आओगी? आज टीचर्स डे है सचिए, है ना? मैं तो भूल गई थी, बोल अपने टीचर्स को क्या बोलेगा। तो बोलने वाले मामले में सार्थक थोड़ा शर्मीला, तो कुछ बोलिया कौन करता ज्यादा हा, बोल तो दिया था फिर भी उसने ऑल ऑफ यू टीचर्स मतलब हैप्पी टीचर्स डे ऐसे बोल तो दिया था, लेकिन ये उसका थोड़ा शर्म सी आ उसने कैमरे के सामने। तो कोई बको होगा बोला मम्मी मेरे दोस्त नु कहे भाई व्लॉगिंग कर रहे है, तो बच्चे का हो जाएगा थोड़ी भाई हम भी मान्या करते उस टाइम पर भी कुछ ही सा होना भी शर्म आवे है। तो इसका मैंने टिफिन तैयार कर दिया था सार्थक का और स्कूल के लिए, और रेडी हो लिया था इसने भाई घर के कपड़े पहन कर जाने थे, तो अपना पैर लिए थे इसने अपने आप ही तैयार हो लिया हुआ है। किसी चीज़ में मेरी ज़्यादा खुबैत कौन करवाऊंदा भाई, 9 साल का हो रहा है तो वो ही बात है, बच्चा अपने आप कर ले हुआ। घने सारे बच्चे भी ऐसे भी हों पति डिपेंड रहे रहे माँ बाप पर, लेकिन मेरा बेटा अपने आप लगभग 2 महीने हो लिए, तो सुबह मन थोड़ी भी परेशान ना कराया करता, अपने आप नहा ले अपने आप तैयार त्यूर होकर चलिया जावे है। तो ये थोड़ा ना शर्मीले टाइप का है, ज़्यादा बोलिया ना करता, वैसे तो बोल रहा है लेकिन ये इस पर थोड़ा भाई बालक आजकल के गुणे चंट हो ना, मेरा बेटा फिर भी सीधा साधा सा है, इतना नहीं है भाई जैसे आजकल बच्चे इतने ज़्यादा बोलना है आई फाई तरीके की बात करेंगे, तो मेरा बेटा सीधा साधा इसने इतनी ज़्यादा बात आती नहीं, तो ये स्कूल में चले गए। मैंने रख लिया अपने सारे बर्तन बाहर, अब मैं इन्हें साफ करूँगी, इसके बाद और आगे के काम करूँगी, क्योंकि भाई एक बार बर्तन साफ हो जाए है ना तो फिर सारे के खंडे खंडे ना कर दे, और सफाई करने का मतलब रसोई में भी और मारे तो ऐसा काम हो जगह जगह गिर दे मैं जड़ा खाँ उड़े गिर दे मैं, तो ये भी न मैं साफ करूँगी। एक भाई माम तो बारे कराया करो बर्तन साफ, मारा सिंक की कोई सुविधा नहीं है, मारा तो ये देसी सिंक अपना देसी तरीके तक काम करें, मजा भी आ भाई आदत पड़ रही स्टार्टिंग से यह आदत है। तो बर्तन तो मैंने यहाँ पर साफ कर कर रख दिए हैं, अब इसके बाद मैं करूँगी न्यार पड़ा भाई न्यार गेरूँगी यहाँ तक भीतर खोरा मैं, उसके बाद ये डांगर बंद रहे इन्हें नुआऊँगी।
नहीं नहर गिरन तो पहले मैं यहाँ का झाड़ू दूंगी सारे को अच्छे से, क्योंकि फिर डांगरा नुआऊंगी तो यू भया भया ना आंदा गा। और भाई इस कटड़ी के पैर मोरे है बाराम, ये लेप सा कर रखे है, दर्द तो है इसका यहाँ पे ज्यादा, ये दर्द है इसका यहाँ तक टूट रही है। लेकिन अब ये है पैर तो इसका अच्छे से रखा नहीं जाता, खड़ी हो जावे है, टाइम लगेगा भाई इसको प्रॉपर ठीक होने में। गाइस टाइम हो गया है 9 बज गए हैं, 9:10 मतलब, और मैंने अपना किक्के काम करा वो दिखाऊंगी। मैंने अपने डांगर नुहा दिए हैं, जड़े का साफ सुथरा हो गया, दूध आ गया है, बंद दूंगी इन्हें 20 मिनट में और 9:30 के करीब, और न्यार भी कर दिया है, इसमें गल का दर दिया बांड, मैं साग गेरूंगी जो ऊपर तूड़ा है नीचा रहा है, और उनका भी कर दिया दोनों, उनका हरिया गिरा थोड़ा सा तूड़ा मिलाया है, तो डांगरा का तो फिर बांड गिरना और भीतर बांधने रह गए हैं। और डांगरा का सिर्फ वो काम रह गया था, बाकी काम रह गया है मेरा, आज मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, प्रेस करूँगी दो पैरी में करूँगी प्रेस तो, और अब 9:15 हुए हैं, जैसे लगभग अब 1 घंटा लगेगा मेरा 10:15 हो जाएंगे झाड़ू और पोचा करने में। लेकिन झाड़ू पोछा करने से पहले मैं रोटी खाऊंगी, क्योंकि मैंने लग गया भूख, काम नमटा सिर्फ डांगरा का, तो मेरा नीचे का काम हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया, सफाई कर दी है नीचे की, ये ग्रिल ग्रूल सब कुछ साफ कर दिया है, अब मैं ऊपर का पोछा मैं रखाऊंगी, और टाइम लगभग उतना ही होया जितना कह रही थी, टाइम हो गया अब 10:15 हो गए हैं, 9:15 लगी थी झाड़ू पोछा और डांगर भीतर बांधे, इतना टाइम 1 घंटे का टाइम कहा था तो 1 घंटा लग गया पूरा। ये एक पुराना हाँ खेस पड़ा था, इसमें तो 2 पोछे मैंने पहले बनाए थे और 2 अब बनाए दूंगी, बढ़िया पोछा लग गया, कॉटन है उसमें धागे है वाले जो मोल के नहीं आते, कोई सिर्फ धागे के टाइप के आया करें, तो इसका बढ़िया पोचा लग गया है। मखा वैसे ये काम का तो रह नहीं रहा, फूकन तो बढ़िया मखा इसका पोचा बनाया दी को तिगसया पड़ा है। टाइम हो गया 11:34 और अब मेरा काम ख़त्म होया है सुबह का, 11:34 तक कपड़े माज धोती नहीं, प्रेस रह गई है, अब मैं दोपहर के बाद शुरू करूँगी काम। तो ये धोती है मैंने क्यों, अब गेहूँ धोने तो मैं इब मान लो 40 हो गए 11, तो लगभग 2 बजे के करीब तो आराम करूँगी या 1:30 बजे तक, 2 घंटे अब मेरे आराम के हैं, क्योंकि सुबह की लग रही हूँ 5-6 घंटे लगातार काम कर लिया, तो व्लॉग का एंड भी मैं आज ही आड़े करूँ हूँ। व्लॉग पूरा देख लिया करो बे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो, इतनी खुबैत कर कब लोग बनाए जाऊँ मैं गाणी, तो फिर तुम पूरा नहीं देखती। तो भाई 1:30 बज गया है, कौन आज कौन नींद आई, तो चाह पीने का मन हो गया, पता नहीं यार 2-3 दिन तक मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो है, उल्टे हाथ बैक यो मनी है जो उल्टा हाथ इस साइड इतना ज़्यादा हो है, शाम ने तो दवाई 11 बजे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो मतलब पाया नहीं इतना डॉक्टर, और पेन हो गया था ज़्यादा, तो आराम तो हो गया था, नींबू पानी में गिर कर पिया था उसका थोड़ा आराम तो होया था, तो मुझे पता नहीं गैस गूस का उठता होगा, तो अब मैं चाय पीऊँगी, मेरे पैरों में गोना बूंदा दर्द हो रहा है पता नहीं क्या बात है, तो उसके बाद 1-2 रोटियाँ का चून बेक है सिम में तोड़ूँगी। भाई सार्थक भी आज तो 1:30 बजे आ गया है, और इस नाक में कती डरा दी थी।
डराया नहीं, डराया पे ये थोड़ा हाथों थोड़ा बोल रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। और साथ में मेरी बन गई है चाय, अच्छे उफान आ गए हैं और मैंने भेज दिया है सीमिया ती चून, इतना भी आ गई तीन अक रोटी आगा होगा। तो अब इसके ऊपर एक घील है ना जो ये लगा दूंगी कटोरी में, जो घी रखा है। मैगी नहीं बनती भाई,